नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। मैं अपने स्कोर कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ गलती किया था और आप इस एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लर्क वाले अगर ऑप्शन पर चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा अभी कुछ भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है आईबीपीएस क्लर्क का, ऑफिशियल क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस मंथ ही देखने को मिलेगा, 15 तारीख से पहले भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दिसंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम लेना है और बैंक का एग्ज़ाम है, तो बैंक का एग्ज़ाम टाइम पर होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। तो चलिए फिलहाल अपने बहुत जल्द आएगा, इसी मंथ आएगा। तो फिलहाल मैं अपने मार्कशीट के बारे में बात करता हूँ कि मेरे कितने अंक आए और मैंने कहाँ कहाँ गलत किया। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, मैंने 2019 में लास्ट एग्ज़ाम दिया था और उतने अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम दिया नहीं था मैंने। मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम थे, ये सिर्फ मैंने फिल किया था। और ये एग्ज़ाम मैंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया था, ठीक है, जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया था। मैंने मैथ्स में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने काफ़ी जल्द बनाया था, जल्दी जल्दी में बनाया था, तो हो सकता है कि वो गलत हुआ होगा। तो यहाँ मेरे 20.50 नंबर आया, जबकि 25 में से 25 सही होना चाहिए था, ठीक है। तो मैथ्स आपको प्लानिंग से बनाना चाहिए, मतलब आपने अगर डिसाइड किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाना है या सिंप्लीफिकेशन पहले बनाना है तो वो बनाया आपने, नंबर सीरीज पहले बनाना है तो उसको बना लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो उसको बना लिया आपने। क्वेश्चन को पहले पूरा देखिए कि जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको पहले बनाइए, तो 35 के 35 क्वेश्चन को पहले देख लीजिए आप, तब उसके बाद बनाइए तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने यही गलती किया था कि मैंने देखा नहीं, मैंने पहले देखा कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, नंबर सीरीज कहाँ पे, और एक नंबर DI 5 नंबर का मिल गया, तो मुझे लगा कि 15 नंबर का अर्थमेटिक पूछा होगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम। मुझे बाद में पता चला कि अंतिम के 5 क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं बहुत जल्दी 25 क्वेश्चन बना लेता और मेरे नंबर भी ज़्यादा आ जाते हैं, बट मैंने गलती किया कि पूरा क्वेश्चन देखा नहीं, तो इसलिए मेरे नंबर यहाँ क्या हो गए, कम हो गए। अब देखिए रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में मेरा सही है, क्योंकि लगभग 30 क्वेश्चन मैंने बनाया होगा, तो यहाँ पे 25-30-55 क्वेश्चन यहाँ से बना दिया था और यहाँ से 20 या 22 क्वेश्चन बनाया था, मतलब 78 क्वेश्चन के आसपास मैंने बनाया था और यहाँ पे मेरे 10 नंबर आए इंग्लिश में। तो मेरा जो इंग्लिश है वो वीक सेक्शन है, इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है तो इंग्लिश वीक सेक्शन है। हालांकि मैं सेक्शनल क्वालिफाई हो गया था, ओवरऑल मेरा 56.75 ही आया, बट कट ऑफ देख सकते हैं 61.50 आ गया। और महाराष्ट्र का कट ऑफ मुझे लगता है कि इस बार भी ज़्यादा जाने को देखने को नहीं मिलेगा, इससे कम भी जा सकता है महाराष्ट्र का कट ऑफ। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिला था, आप आसानी से यहाँ से क्वालिफाई कर सकते थे। तो आपको गलती नहीं करना होगा, रीजनिंग में भी पहले देखना है कि कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। पजल जल्दी बनता है, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा फंसा सकता है, तो पहले पजल बनाइए, बाद में सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, उसके बाद जो आसान आसान क्वेश्चन है उनको पहले बना लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो जो मैंने गलती किया वो गलती आप नहीं कीजिएगा। मेरा स्कोर यहाँ कम आया था और इससे पहले मैंने, जबकि ग्रामीण बैंक का जो इससे पहले एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें मैं क्वालिफाई था, गुजरात से मैंने फिल किया था, 67 मार्क्स आए थे मेरे 80 में से, तो मैं क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। वो भी स्कोर कार्ड मैं खोज रहा था, बट मैं सिस्टम में अभी नहीं है, ये स्कोर कार्ड था। तो मैंने जो गलती किया था वो गलती आप लोग को बता दिया। और ये जो है ना, मतलब बैंक में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेक्शन बहुत अच्छा रखना होगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छा रखना होगा और बहुत दिमाग से आपको अटेम्प्ट करना होगा। इजी अटेम्प्ट पहले कीजिए, हार्ड अटेम्प्ट बाद में कीजिए, जहाँ टाइम लगता है। वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, बाकी जो जनरल जो है ना उनको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में बैंक के क्लर्क के प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। मेंस के लिए थोड़ा हैवी तैयारी चाहिए। तो यही कुछ था दोस्तों इस वीडियो में। और नोटिफिकेशन मैं बता दूं, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी आया नहीं है बट आपको बहुत जल्द IBPS क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अभी PO का रिजल्ट आ गया, क्लर्क का रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड भी आ जाएगा क्लर्क का बहुत जल्द आपको 3 से 4 दिन के अंदर, या उससे पहले भी आ सकता है। तो अब केवल क्लर्क का एग्जाम होगा, उसके बाद PO का एग्जाम होगा। तो पहले हो सकता है कि PO का नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि IBPS PO पहले होता है, क्लर्क के बाद में होता है दिसंबर के आसपास। तो PO का नोटिफिकेशन अभी 3-4 दिन में देखने को मिल जाए, और जैसे PO का खत्म होगा तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में तो 100% आपको IBPS
ईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन दिखने वाला है, तो बहुत कम समय बाकी है और 15 अक्टूबर से पहले आपको नोटिफिकेशन 100% दिखने वाला है। तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो इस वक्त से आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।